एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 शूट एट द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं और कहते हैं ये आप जाहिर करें। ए मनफी 6 मनफी 5, बी 5 और मनफी 5, सी 5 और मनफी 8 एंड डी मनफी 6 और मनफी 8 आर वर्टिक्स। ये कोने हैं ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल को बता रहे हैं। तो इधर मैं ये थोड़ी सी रेक्टेंगल की मैं शेप साथ शो कर दूं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो सेम नहीं होती। लंबाई और चौड़ाई के एतबार से इसमें फर्क आता है। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ ताकि ये सही तरह रेक्टेंगल लगनी शुरू हो जाए। तो अब इसके वर्टिक्स देखें, ए दिया है और हम ए की वैल्यू ये मनफी 6 और माइनस 5 है। फिर बी दिया है 5 और माइनस 5 है। फिर सी दिया है और सी में पॉइंट दिए उसने 5 और माइनस 8 है। फिर उसके बाद डी है और डी में माइनस 6 और मनफी 8 है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये रेक्टेंगल के लिए ए बी इक्वल होगा सी डी के और सी बी या बी सी इक्वल होगा ए और डी के। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड के इक्वल आई, तो ये रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद मजीद उसने कहा कि फाइंड द लेंथ फाइंड करो ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल क्या है? ये जो ए से सी को कोना मिलाए ये इसका डायगोनल और डी को बी से मिलाए तो ये इसका डायगोनल। ये दोनों डायगोनल आर दे इक्वल? कहता है क्या ये भी इक्वल है? यानी कि हमने फिर ए और सी को भी फाइंड करना है और बी और डी को भी फाइंड करना। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो फिर हम बता देंगे ये इक्वल है। यानी कि यहाँ पर हमने 6 डिस्टेंस फाइंड करने हैं जिसमें ए बी 1, डी सी 2, बी सी 3 और डी ए 4, ए सी 5 और बी और डी 6। ये टोटल 6 हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखें जी सोल्यूशन है और हमारे पास द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है आर उनके नाम लिख लेते हैं। ए हमारे पास उसने दिया है मनफी 6 और माइनस 5 और बी दिया है हमारे पास 5 और माइनस 5 है। फिर सी दिया है 5 और माइनस 8 है। फिर उसके बाद एंड डी और डी की वैल्यू मनफी 6 और माइनस 8 है। तो देखते हैं जी हम पहले ए और बी का फार्मूला, जो डिस्टेंस है वन टाइम फार्मूला लिख लेते ताकि ये याद रहेगा। और एक्स की 2 मनफी एक्स 1 इसका स्केयर प्लस वाई 2 मनफी वाई 1 और इसका स्केयर आ जाता है। वैल्यू हम क्या कर देंगे, अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक्स टू क्या है 5, एक्स वन क्या है माइनस 6, ये 5 दरमियान में मनफी फिर मनफी 6 और इसका स्केयर। वाई टू क्या है माइनस का 5 और वाई वन क्या है वो भी मनफी का 5 माइनस 5, ये माइनस फिर मनफी 5 और इसका होल स्केयर आ जाएगा। ए और बी हम फाइंड कर रहे हैं, ये 5 माइनस माइनस प्लस 6 ये उसका स्केयर, ये माइनस 5 और मनफी मनफी प्लस 5 और ये उसका स्केयर। ये फिर ए बी और हमारे पास 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11 का स्केयर और ये क्या हो जाएगा 0 का स्केयर। और 11 का स्केयर अगर हम खोलेंगे तो वो 121, जीरो की बारी खोल खत्म और इसका स्केयर रूट दोबारा कितना आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। ए बी के बाद
हम इसके बिल्कुल जो दूसरा डी और सी वो मैं लूंगा, डी और सी, क्योंकि ए बी ने जो उसके सामने वाला उसके इक्वल होना है, तो इसलिए मैं पहले डी और सी ले लेता हूं। इसमें देखें जी, हमारे पास ये जो डी और सी है या सी डी, दोनों की बात एक ही है, पहले सी लिया बाद में सी लिया, इसलिए एक्स टू वाले सी के हैं वो 5, एक्स वन क्या है माइनस का 6 है, फिर इसका स्केयर, इसमें से वाई टू माइनस का 8, दरमियान में मनफी, और वाई वन क्या है माइनस का 8 और इसका स्केयर, तो ये कितना आ गया, ये 5 मनफी मनफी प्लस 6 और ये माइनस का 8 मनफी मनफी प्लस 8 आ गया, ये 11 का स्केयर और ये वाला 0 का स्केयर, और 11 का स्केयर कितना आ जाता है 121 और इक्वल किसके है जी, लो जी एक तो बात हमारी पूरी हो गई कि हमारा इक्वल आ गया कौन सा, ए बी इट्स इक्वल है सी डी या डी सी, दोनों की बात एक ही है, एक इक्वल आ गया, एक साइड आ गई। अब हम दूसरी देखेंगे कि डी ए और बी सी वाले वो दोनों इक्वल आती है या नहीं आती, ए और डी या डी ए, बात एक ही है, आप डी ए लिख ले, डी ए लिख ले या ए डी लिख ले, हम ले रहे हैं ए और बी, इसमें से एक्स टू क्या है माइनस का 6, इसमें से एक्स वन क्या है माइनस का 6, वाई टू क्या है माइनस का 8 और इसमें क्या है माइनस का 5, ये है ए और बी, माइनस 6 मनफी मनफी प्लस इसका स्केयर, माइनस 8 मनफी मनफी प्लस 5 उसका स्केयर, ये 0 का स्केयर, 8 में से 5 हमारे चले गए, तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 3 और उसका स्केयर, 3 का स्केयर कितना आ गया 9 और 9 का स्केयर रूट कितना आ गया जी 3, तो मेरे पास ए और डी एक साइड आ चुकी है। इसके बाद बारी है बी और सी की, बी और सी, और इसमें से हमारे पास ये है बी और ये है सी, एक्स टू क्या है 5, एक्स वन क्या है 5 और ऊपर उसका, वाई टू क्या है माइनस 8, वाई वन क्या है माइनस का 5 और ऊपर उसका होल स्केयर, 5 में से 5 चला गया तो 0, माइनस 8 मनफी मनफी प्लस 5, बी और सी, बी और सी इट्स इक्वल 0 खत्म, 8 में से 5 चला गया माइनस 3, 3 का स्केयर 9 और 9 का स्केयर रूट कितना है 3, तो ये भी दोनों आगे इक्वल, हम लिखेंगे ए डी इट्स इक्वल टू बी सी, तो सो इट इज अ रेक्ट एंगल, इसलिए ये क्या बन गई रेक्ट एंगल जो यहां तक उसने पूछी थी। अब फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, अब हम डायगोनल की जो लेंथ फाइंड करेंगे, और डायगोनल हमारे पास एक ए और सी है, ए और सी, तो मेरे पास ए और ये ए और सी, इसमें से एक्स टू क्या है 5, एक्स वन क्या है माइनस का 6, वाई टू क्या है माइनस 8 और वाई वन क्या है माइनस का 5, ये 5 माइनस माइनस 6 प्लस का हो जाएगा माइनस 8 मनफी मनफी, ये भी प्लस का हो गया, ए और सी, ए और सी, आगे देखते हैं जी 5 और 6 11 का स्केयर और 8 में से 5 चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा माइनस का 3,
थ्री का स्केयर, और अलेवन का स्केयर कितना होता है 121, और थ्री का 9, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 130। एक साइड तो हमारे पास आ चुकी, अब रह गई ए और सी, एक डायगनल आ गया बी और डी, हम दूसरा डायगनल ले लेते हैं। तो इसमें से डी एक्स टू क्या है -6, एक्स वन क्या है 5 और उसका स्केयर, एक्स वाई टू क्या है -8 और वाई वन कितना है माइनस का 5, 6 का कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 8 मनफी मनफी प्लस 5 और इसके ऊपर स्केयर 11 का 121 और ये मनफी 3 का कितना आ जाएगा 3 का 9 और मिलकर कितने आ गए 130 का स्केयर रूट। और अब हमने चेक कर लिया कि ये भी इक्वल है, उसने पूछा आर दे इक्वल, हम लिखेंगे यस दे आर इक्वल, और हम लिख सकते हैं कि वो दोनों इक्वल वैल्यू कौन सी है ए सी इट्स इक्वल बी और डी है। ले ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी, समझ आ चुकी है, देख लें फिर, जहां से नहीं समझ आती तो पूछ ले मुझसे।